साहब क्या बैक फ्लिप था ना भाई। एंड गाइस देखते ही लाइक करो, क्या करो गाइस देखते ही लाइक, क्योंकि गाइस ये वुल्वरिन आर्मर है। हाँ मेरे पास वुल्वरिन की शक्ति नहीं है, बट गाइस ये वुल्वरिन आर्मर है, कितना कूल लग रहा है ना। एंड हाथों में क्लॉस भी है, ठीक है, वुल्वरिन जैसा मैं बन गया हूँ गाइस। एंड एक चीज मैं आप सभी भाइयों को बता देता हूँ, ये क्लॉस देख रहे हो कितना नुकीला है, इस क्लॉस से मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, क्या कर सकता हूँ, अरे आपको पता नहीं, वैसे कैसे पता होगा यार, मैंने आप लोगों को थोड़ी ना बताया। और एक चीज गाइस, आई एम बोल गेमिंग 2.0 पे आ रहे हैं गाइस, पार्ट ऑफ एग्जाइल्स, ठीक है, एक बार पार्ट ऑफ एग्जाइल्स बोल रहा हूँ, पार्ट ऑफ टाइटेंस। भाई इन दोनों के बीच लड़ाई क्यों हो गया भाई, विनोलोसोर वर्सेस विनोलोसोर क्यों हो रहा है भाई, ये पहली बार देख रहा हूँ कि एक प्रजाति मतलब एक मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, एक दूसरे के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं ये लोग यार। ओके ये बॉम्ब ये कौन सा है, और यस गाइस बॉम्ब अपना ये था ना टेरर बर्ड, एक मिनट गाइस टेरर बर्ड को मैं अब भेजने वाला हूँ इन दोनों को मारने के लिए, ये अपना बफन टेरर बर्ड था, बॉम्ब वेट कर तेरे को थोड़ा सा लेवल अप कर लेता हूँ, अब ये देने वाला हूँ तेरे को, सेटल तो तेरे लिए मैंने बताया ही नहीं, टेरर बर्ड बफन टेरर बर्ड के लिए कोई सेडल बफन टेरर बर्ड के लिए कोई भी सेडल मेरे को मिल नहीं रहा है। एंड तू टेंशन मत ले ब्रो, अब पहली बात तू मेरा बात सुनेगा कि नहीं, अरे तू तो मेरा बात सुनता ही नहीं ब्रो, मतलब गाइस इसको अपने एक ग्रुप में डालना पड़ेगा, अरे गलती से लग गया भाई, आई एम सो सॉरी यार, मार मत देना गाइस, अगर ये मेरे को मारने पे आ गया तब तो मेरा यार क्या ही असर होगा यार। ऑल राइट बॉयज, अब मैं इसको डालने वाला हूँ 6 ग्रुप पे। एंड गाइस आप लोग आजकल मेरे वीडियोज़ को देखते नहीं हो यार, बोल भाई को यार, बोल भाई सैड हो गए यार, लिटरली बोल भाई इज़ वेरी मच सैड यार, क्या बताएं, आप लोग आजकल देखते नहीं हो, लाइक भी ढंग से नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो यार, बोल्ट आर्मी ख़त्म हो गया क्या यार, कितना सुंदर बोल्ट आर्मी था ना। वैसे आप लोग बोल भाई को प्यार नहीं करते हो, बट बोल भाई तो आप लोगों को प्यार करता है, जा जा ख़त्म कर। तो ये है ओ माय गॉड, तू क्यों आ गया बेटे, और डेमोनिक रीपर 2 क्यों आ गया भाई, मैं तेरे को थोड़ी ना बुलाया था। एंड लिटरली गाइस मैं डर गया था यार, मैं एक्चुअली भूल गया था कि मेरे पास एक डेमोनिक रीपर भी है भाई, भाई डेमोनिक रीपर मुझे पता है तू बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, बट यू गाइस क्या यार, बॉम्ब बफन टेरर बर्ड वाज किल्ड, एक मिनट इसको किसने मारा, इसको इसने मारा डेमोनिक, तूने अपने ही प्रजाति के डायनासोर, मतलब अपने ही यार टीम के डायनासोर यार, अपने ही टीम के डायनासोर अपने ही टीम को डायनासोर को मार सकते हैं क्या भाई, तू कितना बेशरम है यार, तू कितना बेशरम है यार, अपने ही टीम को मार दिए, अरे डेमोनिक रिपर आई नो यू आर वेरी वेरी स्ट्रांग, अब तू तो और ज़्यादा स्ट्रांग बन रहा है, तेरे को मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, इसको मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि गाइस इसको लेकर के जाना पड़ेगा गाइस पिकॉन के साथ बैटल करने में, बट थिंग इज दैट यार ये तो बेशरम निकला यार, अरे भाई तू तो काफी बेशरम निकला, और तेरे को लेवल अप नहीं करने वाला हूँ यार। गाइस कल मुझे गेम खेलते खेलते एक अमेजिंग फैंटेसी ऐप के बारे में पता लग गया, जो कि दूसरे फैंटेसी प्लेटफॉर्म से काफी अलग है, चलो यार डिटेल में थोड़ा बताते हैं। सो फेमस क्रिएटर दीपक चहर जी ने लॉन्च कर दिया क्रिकेट फैंटेसी गेम, गेम का नाम है ट्रेड फैंटेसी गेम, जिसको हम लोग स्वैग से TFG भी बोलते हैं। तो गाइस इस गेम को डाउनलोड करने के लिए tradefantasygame.in पे जाओ और डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद हमें करना पड़ेगा साइन इन, आप लोग मोबाइल से भी कर सकते हो थ्रू OTP, सोशल मीडिया से भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। अब हाउ टू प्ले दिस गेम, सिलेक्ट प्लेयर कार्ड फैंटेसी मोड, एंड आप सब लोग चूज कर सकते हो अपना मनपसंद ऑनगोइंग मैच, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे 6 प्लेयर, एंड देन मार्क करना होगा हु इज गोना बी द कैप्टन, एंड कैप्टन को यहाँ पे मिलेगा 2 times ज्यादा पॉइंट, एंड देयर इज मोर टू इट, अब यहाँ पे 7 प्लेयर यानी एक सब्स्टिट्यूट वाइल्ड कार्ड प्लेयर भी चूज कर सकते हो। मैच के एंड में अगर आपका फैंटेसी प्लेयर का पॉइंट आपके किसी भी प्लेयर से ज्यादा होगा तो आपका वाइल्ड कार्ड प्लेयर आपके लोएस्ट रेट प्लेयर को रिप्लेस कर देगा, एंड एंटर कॉन्टेस्ट ऑफ योर चॉइस एंड गेट रेडी टू विन, आप सभी को मिलेंगे ढेर सारे प्राइज इफ यू आर इन विनिंग जोन, एवरी टाइम यू सिलेक्ट अ प्लेयर इन योर फैंटेसी टीम यू विल अर्न XP बोनस आपके पार्टिसिपेशन और उस प्लेयर के परफॉर्मेंस के लिए।
एक्सपी पॉइंट्स का माइलस्टोन क्रॉस करने पर आपका प्लेयर कार्ड अपग्रेड हो जाएगा और हर लेवल के साथ आपके प्लेयर कार्ड को मिलेगा टोटल विनिंग्स पर बोनस. ऑल्सो यू कैन गो टू द माई कार्ड सेक्शन वेयर यू कैन सी योर न्यूली कलेक्टेड कार्ड्स. लेवल 3 पर आपका कार्ड प्रीमियम बन जाएंगे और आपको मिलेगा उसी प्लेयर का रेयर कार्ड. लेवल 4 और 5 पर ये बन जाएंगे सुपर रेयर कार्ड और यूनिक कार्ड्स. ऑल्सो कल से होने जा रहा है गाइस इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच, द बिगेस्ट राइवलरी ऑफ द ईयर. सो आप लोग 2 रुपीज पे भी कॉन्टेस्ट खेल सकते हो और जीत सकते हो गाइस 10,000 रुपीज तक. सो गाइस जाओ डाउनलोड करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. भाई यार तूने यार अपने ही यार दोस्त को मार दिया, मेरा ही डायनासोर था ना भाई, तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था दोस्त. यार तूने ये बहुत गलत करा यार, तूने ये बहुत गलत करा. अब अभी भी किसी को मारेगा क्या ये भाई? आई एम सो सॉरी यार, तेरे को मार दिया यार, मेरे को लगा ही नहीं था कि तू मारेगा. अब मैं आप सभी भाइयों को दिखाने वाला था वुल्वरिन का ताकत, ठीक है. वेट ए मिनट गाइस, यहाँ पे कौन है? अरे बेटे हूँ यहाँ पे, तो एक बफन है, बफन फ्रॉक्स. एंड आप सभी भाइयों को एक चीज़ पता है कि अगर मुझे बफन फ्रॉक्स दिखता है तो मैं बफन फ्रॉक्स को पकड़ता ही हूँ, ठीक है. पर उसको पकड़ने के लिए मेरे पास क्या है? ओके इसको निकालते हैं, इवल मंकी को. इवल मंकी हमें जाना है उसको पकड़ने के लिए, ठीक है. ऑल राइट, इवल मंकी तो अपना एकदम रेडी हो चुका है. इवल मंकी पकड़ने में हेल्प करेगा बफन को. एंड इवल मंकी इतना स्ट्रांग है, मतलब अपना ये डेमोनिक मेसोफेगस, कि यार ये एक झापड़ मारेगा तो यार अपना बफन फ्रॉक्स मर जाएगा, ठीक है. ऑल राइट, बट बफन के बारे में भी कुछ बता नहीं सकते हैं, ठीक है. अरे सीधा चल ले यार, लेट्स ट्राई टू टेम हिम, ठीक है. टेम करने की कोशिश करेंगे भाई, ये बहुत ज़्यादा फास्ट है. ऐसे ही टेम करने की कोशिश करें. या लगेगा कि नहीं? लगा ब्रो. अब ये मेरे को अटैक करने के लिए आएगा. अरे भाई मैं मर गया क्या? मेरे को लगा मैं मर गया हूँ. भाई ये काफी डैमेज वैमेज दे रहा है यार. ओए इसने मार दिया लिटरली. अरे यार डेमोनिक मेसोफेगस तू कब चला गया उधर? अरे मुझे लगा ही था ये अपना डेमोनिक मेसोफेगस ये सब चीज़ें करेगा. एंड बफन फ्रॉक्स को मार दिया ना. और इसके पास तो एक टोपी है, बम है, ये बम रख लेता हूँ यार. अरे गाइज यार मुझे पता ही था. और एक चीज़ गाइज, मुझे आप सभी भाइयों को वुल्वरिन का पावर दिखाना था, तो चलो वुल्वरिन का पावर दिखाने का वक्त आ गया है. मैंने अपने नुकीले कांटे लगा लिए हैं. कांटा क्यों बोल रहा हूँ यार, क्लॉस. अब ये देखो, एक मिनट. आप लोगों को क्या लगता है बोल भाई इस पहाड़ में चढ़ नहीं पाएगा? ये देखो और देखोगे, ये देखो. यार वुल्वरिन ओपी यार. एंड गाइज सब्सक्राइब कर दो ऐसे वीडियोस देखने के लिए, ठीक है. बोल भाई आप लोग के लिए आराम से खतरनाक वाले एपिसोड्स लेके आएंगे. अरे गिरना नहीं है, ओके. एकदम ऊपर तक चढ़ना है ब्रो. अब तो यार चढ़ने में कोई दिक्कत भी नहीं होगा, एकदम ऊपर तक चढ़ेंगे. आज मैं ठान लेता हूँ कि आज बोल भाई इस पहाड़ के ऊपर डेफिनेटली जाने वाला है. ऑल राइट इधर तक जंप कर पाएगा क्या? एंड ओके एकदम ऊपर तक जाएंगे ब्रो. ओके ठीक है, साइड तक, फिर साइड, फिर इस तरफ, एंड देन यहाँ, एंड देन हम लोग एकदम छोटी पे पहुँच गए. यप. अरे यार ओके स्किबिडी डूब. ओके तो यहाँ पे तो एक लूट भी है. लूट में मेरे लायक कुछ चीज़ है नहीं यार. ओके ठीक है. एंड इससे मैं कितना डैमेज दे सकता हूँ वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है ना. अरे गिर. गिरा भाई गिरा, खतरनाक गिरा. चलो गाइस इसको ही मार के देखते हैं. वुल्वरिन के साथ पंगा लेगा भाई. यार वुल्वरिन तो कितना कम डैमेज देता है. ये ले बट ये मेरे को मार नहीं पा रहा है यार. ये आश्चर्य चकित है, शायद से वुल्वरिन आर्मर पहना हुआ हूँ इसलिए. लुक भाई यार भाग मत, तेरे को तो यार बेहोश करना ही है. गाइस मैं अपने क्लॉज से इसको बेहोश कर रहा हूँ, बट ये मर गया. वुल्वरिन के साथ पंगा लेगा तू, खत्म. ऑल राइट गाइज ये पावर्स भी दिखा दिया. एंड आज मैं क्या करने वाला हूँ अभी बताने वाला हूँ आपसे भाई को. आज मैं यार स्काईनेट को पकड़ने वाला हूँ. सही सुना गाइज, स्काईनेट द मैकेनिकल मॉन्स्ट्रोसिटी, ठीक है. तो यार उसको पकड़ने के लिए मैं इसको तो डेफिनेटली लेके नहीं जाऊँगा, क्योंकि पता नहीं ये अगर मार देगा तो मेरा ही नुकसान होगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही स्काईनेट का ये है स्पॉन. ये भाई ये कौन सा है? अल्फा डोडोन भाई तो डरने लगा, पूप खा भाई. टट्टी बम, ये टट्टी बम फूटा क्यों नहीं यार? व्हाट
मेरा पूप फट क्यों नहीं रहा है? ओके अब फट रहा है गाइस। एंड एक मिनट भाई, मैं यहाँ पे डायनासोर्स को, योर डायर वुल्फ वाज किल्ड बाय प्राइमल रैप्टर। ओके डायर वुल्फ मतलब ये कौन सा वाला डायर वुल्फ है मैं बता देता हूँ, ये वही वाला डायर वुल्फ है जो अपने चॉप ने समोन किया था। एंड अब मैं उस प्राइमल रैप्टर को मारने वाला हूँ। मुझे पता है कि तू इधर है, ये ले खा खा ले बेटे। क्या हो गया भाई, बोल भाई के गैंग को मारोगे ब्रो? बोल भाई के गैंग को मारोगे? इतना यार तू पावरफुल है नहीं यार कि बोल भाई के गैंग को तू बोल भाई के सामने ही मरे। व्हाट व्हाट इज दिस? मेरे को और एक चीज दिखाई दिया वहाँ पे। वो क्या है? वो क्या है? प्राइमल टेक ट्राइसरटॉप्स। तो गाइस स्काईनेट भी थोड़ा बहुत इसी की तरह ही दिखता है। हट टेडी, ये लट्टा टिका इसके तरह ही दिखता है, बट वो मैकेनिकल मॉन्स्ट्रोसिटी है। एंड वो टेक डायनासोर का सबसे सबसे खतरनाक डायनासोर है। अब सवाल ये है कि स्काईनेट को पकड़ने के लिए मैं कैसे जाऊंगा? यार आप लोग, यार आप लोग बहुत टेंशन लेते हो यार, आप लोग बहुत टेंशन लेते हो यार। बोल भाई को कुछ नहीं होगा, बोल भाई के टीम में आप लोग लिटरल देख पा रहे हो क्या क्या डायनासोर है ना। एंड अपने पास तो अभी डो डो बफन फेरोक्स है। एंड तू बेटा तू अकेला पड़ गया क्या? चल तेरे को अपने घर में रख देता हूँ। चल मुझे पता है तू एक नॉर्मल वुल्फ है, बट बोल भाई के घर में यार नॉर्मल डायनासोर्स के लिए भी जगह है यार। बोल भाई सारे के सारे डायनासोर्स को प्यार करते हैं यार। तो बोल भाई ऐसे पकड़ेंगे गाइस, क्योंकि मैंने पकड़ लिया गाइस एक मेलिन घोड़े को गाइस। एंड ये मेलिन घोड़ा काफी ओपी है, देखोगे समोन बहुत सारे बनियों को समोन करके बता भाई। अपना लव साइन कर रहा है, मतलब शो कर रहा है, आप देख सकते हो। बनी नहीं जेरेबुआ। एंड जैसे ही मैं बोलूंगा इन लोग को अटैक करने के लिए, जा अटैक कर। ओह शिट, अटैक 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 अटैक। अरे प्राइमल टैक रैप्टर ने मार दिया यार। ओ बदला तो लेना पड़ेगा यार, तेरे जेरेबुआ को मार दिया यार मेलिन घोड़े। अब तेरे को दिखाना पड़ेगा कि तू कितना स्ट्रांग है। डेफिनेटली ये दिखाएगा गाइस किसने मारा था किसने। एंड वैसे गाइस ये बेहोश कर सकता है किसी भी डायनासोर को। गाइस अपना मेलिन घोड़ा तो यार घूम रहा है। वेट वेट बहुत हो गया ब्रो, कम फॉलो मी फॉलो मी फॉलो मी फॉलो मी। यार इसने गंदा चीज कर दिया यार। और रुक आने देता हूँ इसको, आ जा भाई। मैं तुझसे काफ़ी ज़्यादा तेज हूँ ठीक है, इस प्राइमल रैप्टर से तो मैं कई गुना ज़्यादा तेज हूँ, कई गुना ज़्यादा तेज हूँ यार। आ जा आ जा आ जा, जा मेलिन आ जा। ये मेलिन लड़ रहा है क्या इसके साथ? हाँ मार ही दे मार ही दे मार दे इसको मार दे। हाँ इसको अपना सबक सिखा दे ब्रो। भाई ये ले मुंह पे फटका खा ब्रो, ये ले। हाँ भाई रैप्टर भाई देख, मैं खुद से भी लड़ ही सकता हूँ। एक मिनट टाइम प्लीज टाइम प्लीज टाइम प्लीज, आई एम वेरी मच फास्ट देन यू गाइस। मैं इसको तो खुद से ही मार दूंगा शायद। एंड अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा यार, ये ले। गाइस यहाँ पे इतने बड़े बड़े टाइटन बॉस क्यों हैं? अरे यार अपना ये प्राइमल फियर का शॉटगन तो काफ़ी ओपी है यार। ओह शिट भागना पड़ेगा, भागो भागो भागो, आ जा ये ले। अब तो ये मरेगा ही गाइस, कुछ देर बाद ये अपना मुझे जो चेस कर रहा है ये रैप्टर मरने वाला है। ये ले आ, हाँ। और अगर दो तीन बुलेट मार देंगे तेरे ऊपर तू तो यार स्वर्ग लोग पधारेगा भाई। ये ले दो तीन नहीं एक ही बुलेट से तू मर गया। वैसे गाइस शॉटगन से बहुत सारे बुलेट निकलते हैं ठीक है। ओके मेलिन तू इधर है भाई, तू मेरे को बचाने वाला था ना, क्या हो गया भाई तू कहाँ? ओ तू अटक गया ब्रो, इसको फटाक से लेवल अप कर लेता हूँ। ओके एंड देन ये लेवल अप करते हैं। अब एक चीज़ देखना पड़ेगा यार, मेलिन ना किसी भी डायनासोर को यार आराम से लाइक आराम से गाइस ये बेहोश कर सकता है। तो ये मैं भूल चुका हूँ कि ओ ऐसे लात मार के करता है ना, आई थिंक लात मार के एक ही बार में कर देगा। वैसे लात मार के ये पत्थर वत्थर भी तोड़ सकता है कि इतना गाइस कोहरा क्यों है भाई? मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा यार कोहरा के कारण। ओके चलो किसी एक डायनासोर को ढूंढते हैं, मान लो इसको बेहोश करना है, लात मार देंगे तो ये मर ही गया। कोई शक्तिशाली कोई शक्तिशाली, वो क्या है ये भी मर गया। प्राइमल फियर का डायनासोर को ढूंढना पड़ेगा। ओ ये नहीं ये नहीं, ओके ये एल्डर मोचॉप है, चलो इसके ऊपर ही ट्राई करते। भाई ये भी मर गया यार, मर गया मर गया मर गया। एक मिनट एक मिनट, सलिस्टल है इधर ब्रो, बट यहाँ पे कैसा सलिस्टल होगा? ये क्या है सलिस्टल? फेरोक्स है इधर ब्रो।
ये सलीसल फेरॉक्स मारेगा तो मैं बचूंगा नहीं ब्रो, तो मुझे मिलियन में लेकर के जाना ही पड़ेगा। ओके, मैं हेल्थ मिलियन में लेकर के आ गया हूँ, एंड अब मुझे देखना पड़ेगा कि कैसे मुझे बेहोश कर सकता हूँ। क्या मैं इसको बेहोश कर पाऊंगा? या बेटे, वो मारने ही वाला था यार, वो मेरे को मारने ही वाला था। मैं फिर से कोशिश करूँगा। अरे लात लगता ही नहीं ना ब्रो, क्या हो गया? मेरा स्टेमिना वगैरह में ना ख़त्म हो गया क्या? चलो इसी को बेहोश करके देखते हैं। भाई मर क्यों रहे यार, ये बेहोश भी तो कर सकता है ना। उसने जख्मी कर दिया मेरे को, ये बेहोश नहीं कर सकता था क्या? भाग ले भाग ले भाग ले, ये कामे हामे मार देगा यार। अगर बेहोश कर पाता तो इसको मैं पकड़ लेता यार। साले ये ले, मेरा निशाना कभी चुकता नहीं, ये ले। ऐसे मजाक में बोल दिया था। ओके अब तो लगेगा, आई थिंक अब लगेगा। अरे क्या बढ़िया मार रहा है, थोड़ा ऊपर की तरफ मारना पड़ेगा क्या? ये ले। ओ लगा 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 रे, लगा लगा लगा। अब गाइस ये डेफिनेटली बेहोश होने वाला है, ये देख रहे हो गाइस, पानी की तरफ जा रहा है। भाई पानी की तरफ मत जाया कर यार, पूरे कामे हमें मार रहा था ये। बट यार तू कामे हमें से मुझे कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू बहुत जल्द बेहोश होने वाला है मेरे भाई। एंड जैसे ही गाइस ये बेहोश होगा, मैं तुरंत जाऊंगा और एक सेलेस्टियल फ्रॉग्स को पकड़ लूंगा। ओके अल्फा वेनोलोसॉर, चलो गाइस इसको बेहोश करने की कोशिश करें। मर जाते हैं गाइस, आई थिंक गाइस मैं इससे यार बेहोश नहीं कर सकता हूँ। ये क्या है? अच्छा मेगलोसॉर। अरे तू बेहोश हो गया क्या? ओह शिट, अगर गाइस ये फटका मेरे शरीर पे पड़ता तब दिक्कत हो जाता। वैसे यार बेहोश क्यों नहीं हो रहा है यार? अब ये डेफिनेटली बेहोश होगा, क्योंकि जैसे कि देख पा रहे हो इसका कंडीशन सही नहीं है। ठीक है, ये कैसे यार स्लो तरीके से जा रहा है, एंड इसका कलर मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। एंड ही इज़ अबाउट टू गेट फिनिश। बेटे कहाँ पे जा रहा है? ये सेलेस्टियल फेरॉक्स को मारने के लिए जा रहा था। ओके गाइस सेलेस्टियल फेरॉक्स को मैंने कर दिया बेहोश, अब चलो गाइस उसको पकड़ते हैं। वेट 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 वेट, बेटे बेटे बेटे, भाई मैंने बचा लिया, आई थिंक मैंने बचा लिया। चलो इसको पकड़ लेते हैं। पकड़ लिया ब्रो, पकड़ लिया। ये देख रो गाइस, इसका कलर काफी यूनिक है यार, काफी यूनिक। नहीं मेरे को लगा ये थोड़ा सा व्हाइट, हाँ हाँ हाथों में व्हाइट है, हाथों में व्हाइट है, ये पूरा ब्लू नहीं है, देख सकते हो हाथों में व्हाइट कलर है। एंड ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तुम लोग सारे के सारे लोग मेरे काम आओगे, ठीक है? ऑल राइट गाइस, अब मैकेनिकल मॉन्स्टर मतलब स्काइनर को निकालने का वक्त आ गया। भाई तेरा बहुत हो गया यार भाई, वेट वेट वेट। ओके अब चलो गाइस स्काइनर को बाहर निकालते हैं। अब यार मेरे लिए एक बहुत ही इसको क्या बोलते हैं, भयानक सिचुएशन क्रिएट होने वाला है। बिकॉज आई डोंट नो कि स्काइनेट को मैं पकड़ पाऊंगा या फिर स्काइनेट के हाथ में मैं मरने के लिए जा रहा हूं अभी। बट लेट्स ट्राई गाइज, लेट्स ट्राई माई बेस्ट। ओके चलो लैंड हो, अब यहां पे डालते हैं स्काइनेट। ये है स्काइनेट, 1 2 3। ये बेटे, वो बेटे 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 बेटे, नो 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 गाइज, ये गलत सीन हो गया। का 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 मेरे को लगा था मैं मर जाऊंगा यार, मेरे को लगा था मैं मर जाऊंगा यार। शिट मैन, क्या पोपट हो गया गाइस, सीरियसली बहुत ज्यादा पोपट हो गया। अब यार मैकेनिकल मॉन्स्टर सिटी को पकड़ना पड़ेगा यार गाइस, रुडोल्फ को लेकर के जाना पड़ेगा यार। मेलिन घोड़ा मर गया यार गाइस, यार एक्चुअली क्या हो गया बताए, क्या हो गया कि गाइस अपना मेलिन घोड़ा पानी में घुस गया था, इसलिए ये सब हुआ गाइस। शेट मैन, चलो यार अब एक अब अपने रुडोल्फ को लेकर के जाना ही पड़ेगा, वहाँ पे है अपना रुडोल्फ, लेट्स गो। लेटर दैट सेम इवनिंग, स्काइनेट का गेम खत्म होने वाला है गाइस। मैं आ रहा हूँ स्काइनेट को पकड़ने के लिए। ये स्काइनेट इधर, ये देखा ये देखा ये देखा, मेरे को फिर से गिरा दिया गाइस डेफिनेटली। मैन गाइस नो नो नो, ये क्या हो रहा है गाइस, मैं इधर से जा भी नहीं पा रहा हूँ यार। लिटरली गाइस रुडोल्फ को भी मार दिया। Approximately 10 hours later. Definitely guys, magic. हर सिचुएशन में guys magic ही help करता है. And magic, you have to go with me brother. नहीं तो मेरे साथ यार बहुत गलत हो रहा है bro.
बहुत गलत हो रहा है, तेरे को ही हेल्प करना पड़ेगा। एंड इसको स्काइनर कुछ भी कर नहीं पाएगा, बाल भी बाका नहीं कर पाएगा ब्रो। यार इसको कौन क्या कर पाएगा भाई, ये अपना मैजिक है यार। एक काम है हमें मारेंगे तो यार स्काइनर खत्म हो जाएगा। बट वो स्काइनर का पावर देख करके मैं शॉक हो चुका हूँ। वो स्काइनर यार फ्लाइंग डायनासोर्स को यार डिजेबल करके रख देता है ब्रो। आप लोग सोच रहे हो, डिजेबल करके रख देता है। गाइस वो स्काइनर अपने बॉडी से कुछ मारता है, ये मेरे को मारेगा। एंड उसके आसपास ये देख रहे हो मेरे को मार रहा है। एंड उसके आसपास बहुत सारे लिटरली गाइस बहुत सारे गाइस यार टेक डायनासोर्स घूम रहे। जैसे तैसे करके मुझे उसको मारना पड़ेगा। बाप रे भयंकर चीजें हैं यार। ये ले बेटे, क्या मैजिक को मारेगा तू? मैजिक इसको खत्म कर, इसको खत्म कर, खत्म। बाप रे गाइस बहुत सारा कुछ है यार। जाइगेंटोसॉरस प्राइमल टेक जाइगेंटोसॉरस तक देखने को मिल रहे हैं। अच्छा गाइस मुझे स्काइनेट को डिफीट करना पड़ेगा। अच्छा जब डिफीट करेंगे, अरे डिफीट करना है क्या? अच्छा डिफीट करना है, खत्म करते हैं। हाँ यार डिफीट करना है तो यार स्काइनेट तेरे को लगता है तू बचेगा? मैजिक तेरे को यार फाड़ के रखने वाला है। मैजिक कामे हमें चला, कामे हमें चला इसके ऊपर। बहुत सारे मर गए। डिफीट करना है तो 1 बिलियन हेल्थ ना, ये ले। अब गाइस स्काइनेट क्या, स्काइनेट का कोई भी बचेगा नहीं। स्काइनेट को मारने के बाद गाइस मैं स्काइनेट को टेम कर पाऊंगा। बेटे ये ले, डायरेक्ट मुंह पे मारेंगे, मुंह पे मारेंगे। ये ले दूसरा ले। स्काइनेट ये ले और एक खा। ये क्या है बे? प्राइमल टेक मैग्मासोर भाई, यहाँ पे मैग्मासोर भी देखने को मिल रहा है। और ये स्काइनेट, ये है स्काइनेट, ये ले, ये लगेगा। 1.7 बिलियन हो गया। मैजिक एकदम पास में जाकर के मारना है। अब मार, अब तो लगेगा। 1.6 बेटे स्काइनेट क्या हो गया? ओ स्काइनेट यू आर अटैकिंग मैजिक। भाई यार सपने में सोच मैजिक को मारने का, ठीक है? मैजिक चल अपना पावर दिखाना है सभी को। पावर अप, आप देखते हैं बेटे यूर आप मेरे को मारेगा ब्रो। अरे तुम लोग की जरूरत कैसे हो गया है, जरूरत कैसे हो गया? चलो गाइस और थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान देता हूँ। एंड देन गाइस ये अटैक पे ध्यान देता हूँ गाइस। ये गाइस 10 मिलियन, 1 मिलियन तक लेकर के जाना पड़ेगा। 1 मिलियन नहीं है आई थिंक गाइस, ये 10 मिलियन हो गया इसका डैमेज। स्काइनेट तू इधर है ना बेटे, ये ले। स्काइनेट 1.4 बिलियन देख रहे हो, देख रहे हो? एंड अभी यार इसका पावर तो नेक्स्ट लेवल में ही है। तू मारेगा मेरे को? मारेगा, ये ले। डर जा स्काइनेट, बिकॉज तेरा पापा आ गया है इधर। और तेरा पापा कौन है? तेरा पापा है मैजिक। ओह शिट, मैंने क्या स्काइनेट को डिफीट कर दिया? ओ बेटे गाइस ये स्काइनेट काफी बड़ा है यार। और तू क्या देख रहा है, तू क्या देख रहा है भाई? तेरी हंसी की, ये तो मुंह पे ही खाएगा गाइस। ये मैजिक के साथ नो पंगा ब्रो। स्काइनेट तेरा सिर्फ 100 मिलियन ही है क्या? ये खत्म, खत्म। तेरी हंसी की टैसी भाई, खत्म। मैजिक के साथ नो पंगा, मैजिक के साथ नो पंगा यार लिटरली गाइस। अब मैजिक जितने भी यहाँ पे यार टेक डायनासोर है सारे के सारे को खत्म कर। ओपी बोलते हैं। एंड इसको देख रहे हो नेमलेस को? भाई मुझे बहुत दिनों से नेमलेस को पकड़ना था ब्रो। नेमलेस यार वेरी सेमलेस मैन। नेमलेस देख, आ जा मेरे टीम में आ जा भाई, तू बहुत बढ़िया डायनासोर है एंड मैं तेरे को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। नेमलेस तू वैसे भी बेहोश होने वाला है, नखरा में क्यों कर रहा है भाई? मैं तेरे को हेल्प कर रहा हूँ नेमलेस। अब जितने भी टेक डायनासोर से मार, मैं मार रहा हूँ यार। एंड ये तो यार इसको तो मारना ही पड़ेगा, ये ले। अरे यार नेमलेस तू क्यों आ गया यार? तो नेमलेस भी मर गया। फाइनली गाइज हम लोगों ने स्काई नेट को हरा तो दिया,
एंड स्काईनेट को हराने के बाद गाइस हमें ये चीज भी मिला गाइस, यूज दिस आइटम टू रिवाइव स्काईनेट ओबिंग योर कमांड। तो अगर हम लोग ये चीज़ बना देंगे तो स्काईनेट अपना हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइमल टेक बेंच में हम लोग स्काईनेट को बना पाएंगे, ये सब चीज़ें चाहिए। तो क्या आप लोगों को स्काईनेट देखना है? इसको मैं अगले एपिसोड में बनाने वाला हूँ। मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए गाइस आप लोग अच्छे से रहो, मज़े में रहो एंड अपने बोल भाई को ढेर सारा प्यार दो गाइस। लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं गाइस अगले एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर, सायो नारा, लव यू गाइस। एंड यार मैजिक तू ओपी है यार।